हेलो एवरीवन रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और आई एम श्योर अभी तक सभी ने एडमिशन ले लिया होगा अपने अपने डिपार्टमेंट में सो आई अदिति वेलकम यू टू द ईएलएल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज आज मैं आप लोगों को हमारे डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म का uh, के बारे में यहाँ के टाइमिंग uh, के बारे में क्लासेस टाइमिंग और एग्ज़ाम uh, पैटर्न इन चीज़ों को लेकर ब्रीफ करूँगी एंड सम एडिशनल डिटेल्स एज़ वेल सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की आ, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं हमारा यूनिफॉर्म ब्लू शर्ट और ग्रे ट्राउजर्स होता है कलर कोड इज सेम फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कुछ लड़कियां इसका चाहे तो सलवार सूट बनवा सकती हैं मैं अलॉट ऑफ गर्ल्स प्रेफर दैट और यूनिफॉर्म में हमारा फुटवेयर में यू कैन वेयर फॉर्मल यू शूज़ और सैंडल इफ़ यू विश एंड uh, अगर ब्लैक या ब्राउन फॉर्मल शूज़ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और यूनिफॉर्म आपको कॉलेज के बगल में टेंपल है टेंपल के पास वहाँ पे कई सारे शॉप्स हैं वहाँ पे आपको सेंट जेवियर्स का यूनिफॉर्म आराम से मिल जाएगा डिपार्टमेंट का नाम देने पर एंड uh, हमारा यूनिफॉर्म मंडे टू फ्राइडे चलता है सैटरडेज़ को हम लोग कैजुल्स uh, पहनते हैं यस yes, हमारा क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलता है जिसमें से एक सैटरडे को हम लोग कलर ड्रेस पहन सकते हैं बट आप जब कलर ड्रेस पहन के आए तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी स्पेशली गर्ल्स ड्रेसेस लाइक ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप रगेड जीन्स कोल्ड शोल्डर स्लीवलेस या फिर नेट ड्रेसेस uh, इस तरह के ड्रेसेस अलाउड नहीं है कॉलेज में आपको आप अगर इस तरह के ड्रेस करके आएंगी तो आपको कॉलेज गेट पे रोक दिया जाएगा सो मेक श्योर कि आप डिसेंटली ड्रेस्ड अप होकर आए एंड फॉर बॉयज़ प्लीज़ कीप योर शर्ट्स बटन इन द कॉलेज कई लड़कियाँ शर्ट um, पे नीचे जीन्स पहन के आ जाती हैं विच इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना यूनिफॉर्म प्रॉपर रखें then uh, coming to the college uh, rules and college आई डी कार्ड आप लोग को शुरुआत में एक टेम्प्रेरी uh, मिलेगा और उसके बाद वो um, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड आते आते आपको परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा यू हैव टू वेयर दिस आई डी कार्ड ऑल द वाइल योर इन द कॉलेज प्रमाइसिस आप कैंपस में हैं आप क्लासरूम में हैं आपके पास आई डी कार्ड हमेशा आप, आपके गले में टंगा रहना चाहिए एनी वन कैन आस्क यू टू शो योर आई डी कार्ड एंड यू 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 शुड बी वेयरिंग दैट फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन लूजिंग योर अटेंडेंस ऑल्सो सो मेक श्योर आप आईडी कार्ड ना भूलें और आईडी कार्ड के बग़ैर आपको कॉलेज के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी कॉलेज की एंट्री से एक और बात यू हैव टू रीच द कॉलेज ऑन टाइम अगर आप आ, लेट होते हैं तो कॉलेज का गेट आ, बंद हो जाता है सो यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर क्लासेस और आपका अटेंडेंस वहाँ पे मिस होता है मैं अटेंडेंस पे बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में सेवेंटी फ़ाइव परसेंट अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी एंड सेवेंटी फाइव परसेंट मीन्स सेवेंटी फाइव परसेंट अगर सेवेंटी फोर पॉइंट एट ज़ीरो भी है तो यू विल बी स्टॉप्ड आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा उस तरह से सो मेक श्योर कि आप क्लासेज अटेंड करें नो मैटर वॉट एवर मूड यू आर इन ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस एंड नाउ कमिंग टू आर कॉलेज टाइमिंग हमारे डिपार्टमेंट का टाइमिंग फर्स्ट सेमेस्टर uh, में आपका 825 ट्वेंटी फाइव टू वन रहेगा हमारे डिपार्टमेंट uh, का एक ही बैच चलता है मॉर्निंग बैच हमारा कोई इवनिंग बैच नहीं है तो पहला शुरुआत में आपको एट ट्वेंटी फाइव के क्लासेस में ए के क्लासेस होते हैं ये आपका एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है तो uh, सारे क्लासेस 50 मिनट्स के होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में और फर्स्ट uh, सेमेस्टर में एट ट्वेंटी फ़ाइव से शुरू होता है यू यूल कम टू द सेकेंड सेमेस्टर तो हमारे क्लासेस फिर नाइन टेन टू वन ट्वेंटी चलता है और इस दौरान uh, हर क्लास uh, जब चेंज होता है हमारा जब हर अलग पीरियड आता है तो uh, कई बार हमें क्लासेस चेंज करने होते हैं अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में uh, सारी टीचर्स हमारी फीमेल टीचर्स हैं टिफ़िन का कोई हमें स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइडेड नहीं है सो so, जो एक टीचर के जाने और दूसरे टीचर के आने में जो एक गैप होता है वी मैनेज टू ईट ड्यूरिंग दैट टाइम क्योंकि हमारा कॉलेज uh, टाइमिंग बहुत लंबा नहीं है सो so, uh, हमें टिफ़िन ब्रेक वैसा कुछ खास मिलता नहीं है बट देन आई वुड ऑल्सो टेल यू कि हमारे कॉलेज में कैंटीनस हैं तो कई बार जब हमारे पास फ्री पीरियड होते हैं या फिर हमारे क्लासेस ऑफ होने के बाद यू कैन गो टू एनी ऑफ द कैंटीन्स यू फील लाइक एंड देन टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न हमारा एग्जाम पैटर्न टोटल हंड्रेड मार्क्स का हर एक पेपर होता है और uh, ट्वेंटी फ़ाइव प्लस सेवेंटी प्लस फाइव का पैटर्न चलता है ट्वेंटी फाइव मार्क्स इज़ फॉर योर इंटरनल एग्जाम्स और मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स सेवेंटी मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जो कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में होता है फाइव मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पे अटेंडेंस को कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है देन मेक श्योर कि ए का क्लासेस आप मिस ना करें क्योंकि ए के क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी कम होते हैं uh, पूरा सेशन उसका सिर्फ थर्टी क्लासेस का होता है तो अगर आप एक क्लास भी छोड़ते हैं तो आपका अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा फॉल हो जाता है नाउ कमिंग टू बुक्स एंड पैटर्न हम लोग नॉवेल्स uh, करते हैं हम लोग ग्रामर करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश करते हैं तो बुक्स uh, uh, जब आप कॉलेज में आएंगे फर्स्ट डे या सेकेंड डे पे आपको रूटीन और बुक्स मैम लोग बता देंगी एंड uh, uh, वो बुक और जो क्लास में नोट्स मिलेंगे आपका एग्ज़ाम उसी से आएगा उससे ज़्यादा बढ़कर नहीं आता है सो इफ़ यू गो बाय द टीचर्स लेक्चर्स एंड नोट्स यू यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड और क्या आ, हमारे कॉलेज में आ, आपका एक कॉलेज का ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप स्टूडेंट लॉगिन करके अपना टाइम टू टाइम अटेंडेंस चेक कर सकते हैं अपना फ़ीस ऑनलाइन दे सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स देख सकते हैं साथ ही साथ आप वहाँ पे जिम का मेंबरशिप भी रिन्यू कर सकते हैं यस yes, हमारे कॉलेज में जिम भी है और आप यहाँ पर जिम जब करेंगे तो यू कैन पे ऑनलाइन फॉर दैट साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोविजन है यहाँ पे हर तरह के स्पोर्ट्स कंपटीशन uh, होते हैं क्रिकेट बैडमिंटन वॉलीबॉल स्पोर्ट्स डे एथलेटिक्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज देयर यहाँ पे एक गेम्स रूम भी स्पेशली प्रोवाइडेड है जहाँ पे um, बिलियर्ड्स है कैरम है चेस है लूडो है मतलब आपको यहाँ पर एक ऑलराउंड डिवेलपमेंट का पूरा स्कोप मिल रहा है इसके अलावा हमारे कॉलेज में यहाँ का बहुत ही फेमस जीवियर उत्सव होता है उसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ um, भी आए हैं नॉट अ वेरी बिग सेलिब्रिटीज़ बट कई सारी सेलिब्रिटीज़ आए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक uh, हमारा तीन दिन का फेस्टिवल जैसा होता है एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस अलॉट आई होप इतने सारे इंफॉर्मेशन से क्लियर हूँ uh, मैंने पिछले वीडियो में भी Uh, जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में वीडियो दिया था उसमें भी मैंने हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई सारी बातें बताई थी सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार उसे भी ज़रूर से चेक कर लें एंड दैट्स ऑल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ यू कैन कंटैक्ट पूवा और मी फॉर दैट। थैंक यू एंड वेलकम